जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस परीक्षा में 2019 और 18 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जिस उत्तर प्रदेश के ऐसे शहर जिसको उपनामों से जाना जाता है, उपनामों से, और दो ऐसे क्वेश्चन हैं हम आप लोगों को भी बताएंगे। ये पूछे गए थे और हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हुए 18 और 19 में आर्मी लवर बलिया टेलीग्राम पर हम हमेशा रोज़ डे बाय डे अपलोड कर रहे हैं। आप लोग वहाँ पर जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं और उसमें सही क्वेश्चन है जिसका सही विकल्प है उसमें टिक भी लगा हुआ है, आप मिलान भी कर सकते हैं। और सबसे पहले हम बता रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, नगर और उनके उपनामों से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के ऐसे शहर है तो आगरा को ताज नगरी के रूप में जाना जाता है, और मुरादाबाद को पीतल नगरी, यहाँ पर सबसे अधिक पीतलों का उत्पादन किया जाता है, और अलीगढ़ में ताला नगरी, और यहाँ पर सबसे अधिक तालों का उत्पादन किया जाता है, और इलाहाबाद में तो सभी लोग जानते ही होंगे संगम नगर, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और इलाहाबाद का प्रयागराज नाम रखा गया है, अब तो इलाहाबाद नहीं देता है, प्रयाग ही राज के नामों से जाना जाता है, तो संगम नगरी के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद, और मथुरा में कृष्ण नगरी के नामों से जाना जाता है, और कन्नौज में खुशबुओं का शहर कहा जाता है, वहाँ पर कन्नौज में इत्र का अधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए इत्र खुशबुओं के लिए जाना जाता है, तो कन्नौज का नाम उपनाम खुशबुओं का शहर के नामों से जाना जाता है। लखनऊ में पहले नवाब कहे जाते थे इसलिए नवाबों का शहर, राजा को ही नवाब बोला जाता था। और फिरोजाबाद में सुहागों का शहर, वहाँ पर सबसे अधिक कांच की चूड़ियाँ, जो सुहागन औरतें होती हैं वो कांच की चूड़ियाँ पहनती है, और बहुत ही महत्वपूर्ण उन लोगों के स्थान रखता है चूड़ियाँ। और वाराणसी में बहुत सारे मंदिर भी हैं और घाट, और यहाँ पर बहुत दूर दूर से विदेशी पर्यटक आते हैं, और भारत के अन्य अन्य कोने से आते हैं यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए और मंदिरों को देखने के लिए और स्नान करने के लिए। कानपुर में बहुत सारे उद्योग है और उद्योगों के लिए कानपुर जाना जाता है। और मथुरा है, मथुरा में अधिक तेलों का उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पर पूछा जाए तो तेलों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर मथुरा में आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।